नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। गांजा तस्करों के खिलाफ जारी है शहडोल पुलिस की कार्यवाही। मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में गांजे के खिलाफ शहडोल पुलिस एक बार फिर बड़ी कार्यवाही कर चार आरोपियों के साथ 10 लाख का गांजा जब्त किया है। शहडोल पुलिस के द्वारा बीते कुछ महीनों में अवैध नशे का व्यापार करने वाले न केवल स्थानीय अपराधियों के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्यवाही की गई, बल्कि अंतर जिला एवं अंतरराज्यीय व्यापारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है। गुरुवार को थाना देवलोंद में मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि ब्योहारी की ओर से एक सिल्वर रंग की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार में कुछ व्यक्ति गांजा लेकर देवलोंद की तरफ आ रहे हैं। सूचना विश्वसनीय होने पर थाना देवलोंद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए घेराबंदी करने हेतु पुलिस स्टाफ के साथ रीवा शहडोल मेन रोड अंबार 13 तिराहा के पास पहुंची। थोड़ी ही देर में एक सिल्वर कलर की मारुति सुजुकी स्विफ्ट कार क्रमांक UP 44K 4470 आते हुए दिखी, जिसे पुलिस ने पकड़कर जांच पड़ताल की तो 61 किलो 56 ग्राम गांजा मिला। पकड़े हुए गांजा की कीमत लगभग 10 लाख रुपए बताई जा रही है। मौके पर रामचंद्र वर्मा, कमलेश कुमार चमार, राम सिंह वर्मा व जय हिंद गुप्ता चारों निवासी उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया है। मध्य प्रदेश शहडोल से हमारे रिपोर्टर अविनाश शर्मा की रिपोर्ट। देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। पिछले दिनों थाना देवलोंद पुलिस, जो शहडोल का एक सबसे एक्सट्रीम थाना है रीवा जिले की सीमा से लगा हुआ, वहाँ पुलिस को सूचना मिली कि जगदलपुर से गांजा लाया जा रहा है, जो प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश ले जाने के लिए परिवहन करता हुआ पाए जाने की आशंका है। इस सूचना पर पुलिस द्वारा इंटरसेप्ट करने के लिए नाकेबंदी की गई और प्रॉपर नाकेबंदी के दौरान एक वाहन स्विफ्ट डिज़ायर, जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिली थी, वह पकड़ा गया। और जब वाहन चालक सहित जो अन्य सवार थे, चार लोग उसमें पकड़े गए, उनसे पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि वे गांजे का परिवहन कर रहे हैं। उनकी पूछताछ के दौरान जब वाहन की तलाशी ली गई, उसमें लगभग 61.5 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी बाजारी कीमत लगभग 10 लाख रुपए है। इस गांजे को बरामद किया गया है और चार आरोपी जो जौनपुर, प्रतापगढ़ आदि इलाकों के रहने वाले हैं, कमलेश चर्मकार, जय हिंद गुप्ता, राम सिंह कुर्मी और राम वर्मा, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इनसे पूछताछ करने पर जो पूरा नेटवर्क हमें समझ में आया है, जगदलपुर के जिस सोर्स से लाया जा रहा है और जहां लोकल वेंडर्स तक ये डिस्ट्रीब्यूट किए जाने की संभावना है, इस पर पुलिस द्वारा बृहद विवेचना की जा रही है और सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो इस तरह से इसकी जो राशि है, जिस राशि का ये गांजा पकड़ा गया है, जिस वॉल्यूम का ये पकड़ा गया है, अपने आप में तो एक महत्वपूर्ण और हो रही है। तीसरी बात जो संज्ञान विशेष रूप से घटना का है कि इलाहाबाद, रीवा, शहडोल किन गोपनीय मार्गों का उन्होंने अभी तक इस्तेमाल किया है, इस बार किन मार्गों का इस्तेमाल किया और भविष्य में उनकी किस तरह सुरक्षित परिवहन है, इस दृष्टि से आपकी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली। प्रताप इस बारे में एक्सप्लोर किया गया, जो तथ्यात्मक जानकारी है वह आप लोगों के संज्ञान में है, इसकी जो कॉन्सेप्चुअल जानकारी जो एक आम नागरिक के नाते भी हुई आप।